हेलो फ्रेंड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ पर आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और जो हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है ऑपरेटर्स। और इस टॉपिक पर हमारे जो ऑपरेटर चल रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और देखो, हमने लास्ट लेक्चर में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसा कि ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो इस एग्जाम्पल को हमने सबसे पहले यहाँ पर सेव करा 9.py के नाम से, ओके डन। और 9 नंबर के नाम से हमने इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब देखो हम करने क्या वाले हैं यहाँ पर, कि सपोज हमने एक वेरिएबल लिया यहाँ पर एक्स, और एक्स पर हमने वैल्यू दे दी 5। एक वेरिएबल लिया हमने वाई, और वाई पर वैल्यू दे दी हमने यहाँ पर 6। एक और वेरिएबल लिया हमने ए, ए पर आपने वैल्यू दे दी यहाँ पर राम। और सेकेंड आपने यहाँ पर वेरिएबल लिया बी, और बी पर आपने वैल्यू दे दी सीता। तो ठीक है, कुछ आपने यहाँ पर ही कंटेंट रखा। अच्छा देखो, यदि आपने क्या करा, यहाँ पर प्रिंट नाम की मेथड का यूज़ करा, और आपने यहाँ पर करवा दिया एक्स प्लस वाई, और नीचे करवा दिया आपने ए प्लस बी। तो यार इस कंडीशन में पहले वाले का आउटपुट तो एक्स प्लस वाई में 11 आकर डिस्प्ले होना चाहिए, दोनों का एडिशन हो जाएगा। लेकिन पता है स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, कॉन्केटनेट होता है, मतलब जो राम है ना उसके पीछे जाकर सीता क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, कॉन्केट हो जाएगा। तो अभी इस प्रोग्राम नंबर 9 को यदि आप यहाँ पर रन करते हो, तो 9 नंबर के प्रोग्राम को हमने रन करा, तो जो आपने आउटपुट कमेंट में वहाँ पर लिखा है वही आकर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है 11 और राम सीता। अच्छा ठीक है, इतना ठीक है। लेकिन अगला पॉइंट यहाँ पर ध्यान से देखना, कि सपोज आपने यदि यहाँ पर कर दिया ए प्लस एक्स। अच्छा देखो, ए किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, और एक्स किस टाइप का है यहाँ पर, एक्स इंटीजर टाइप का। देखो स्ट्रिंग और इंटीजर को यदि आप क्या करते हो यहाँ पर कॉन्केट करते हो, तो यहाँ पर कॉन्केट नहीं होगा, इस वाली लाइन में क्या होगा, एरर मैसेज आकर डिस्प्ले हो जाएगा। आ रहा है सर? देखो ये किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का, डबल कोट होने के कारण, और एक्स किस टाइप का है, डायरेक्ट वैल्यू दी इसलिए इंटीजर टाइप का है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर में एडिशन नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर एरर मैसेज लाकर क्या करवा दिया, इसने डिस्प्ले करवा दिया, क्या करवा दिया, मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंट, लाइन नंबर 7। तो लाइन नंबर 7 को यदि आप देखते हो यहाँ पर, तो ये लाइन नंबर आपकी 7 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से हटा देते हैं, और ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इतना ठीक है, इतना कंप्लीट है। चलो हम आगे चलते हैं। अब इस एग्जाम्पल को हम सेव करते हैं सबसे पहले 10.py के नाम से। तो आपने इसे सेव कर दिया 10.py के नाम से, ओके ठीक है, डन। अब देखो इस एग्जाम्पल में हम करने ये वाले हैं कि हमने यहाँ पर क्या करा, एक्स प्लस वाई तो आपने करा, तो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन आकर डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन यदि आपने सपोज यहाँ पर क्या कर दिया एक्स कॉमा वाई, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक्स की वैल्यू कितनी चल रही 5, फिर वाई की वैल्यू कितनी चल रही 6। तो अब एग्जाम्पल नंबर 10 का आउटपुट पहले तो 11 आएगा एडिशन होने पर, लेकिन कॉमा से लिखने में क्या आएगा, 5 और 6 आकर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपने क्या करा, 10 नंबर के प्रोग्राम को रन करा यहाँ पर। तो जैसे ही आपने 10 नंबर के प्रोग्राम को रन करा, तो यहाँ पर 11 और 5 और 6 आउटपुट आकर डिस्प्ले हो गया। देखो स्पेस के साथ ही आएगा, ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट केस, यदि आपने क्या करा यहाँ पर लिख दिया ए प्लस बी, तो आपने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था ए प्लस बी में कितना रहा है, राम और सीता। लेकिन यदि आपने सेम यहाँ पर लिख दिया ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी में क्या आएगा, राम स्पेस और सीता आउटपुट आकर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपने इसे रन करा, तो पहले में राम सीता, दूसरे में राम स्पेस सीता आउटपुट आकर क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। अच्छा ठीक है, इतना भी क्लियर है। फिर आपने क्या करा आगे यहाँ पर, कि सपोज प्रिंट मेथड का फिर से यूज़ करा, और यहाँ पर आपने लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, कि डबल कोट में लिख दिया आपने सम इक्वल टू, और फिर आपने लिखा पर प्लस, और फिर कर दिया आपने एक्स प्लस बाय। तो यार इस कंडीशन में आउटपुट आकर क्या डिस्प्ले होगा। तो चलो देखो, ये जो प्रोग्राम है ना एक्स प्लस बाय, तो एक्स प्लस बाय किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। लेकिन ये जो सम है ये किस टाइप का बन गया, डबल कोट होने का, स्ट्रिंग टाइप का। तो ये प्रोग्राम इस वाली लाइन में क्या करेगा, एरर मैसेज लाकर डिस्प्ले करवा देगा, ये यहाँ पर बिल्कुल चलने वाला नहीं है। तो लाइन नंबर कौन सी अपनी 10, तो चलो हम इस रन करते, तो लाइन नंबर 10 में देखो एरर मैसेज आकर डिस्प्ले हो गया, कि इसमें लाइन नंबर 10 में मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंट, ओके ठीक है डन। तो ये वाला तो नहीं चलने वाला, इतना कंसेप्ट तो अपन को क्लियर हो गया यहाँ पर। अच्छा लेकिन यदि आपको कुछ इस टाइप से आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, तो आप कैसे करवाओ, कि आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर लगाना है कॉमा। तो यदि आपने लिखा सम इक्वल टू कॉमा एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या कर दिया, अब उसने इस कंडीशन में ये वाला जो लाइन है बिल्कुल चलने वाला है, और इस कंडीशन में यहाँ पर आउटपुट सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई कितना हो रहा है 6, तो यहाँ पर सम इक्वल टू 6 प्लस 5, तो 11 आउटपुट लाकर क्या करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा। तो हमने इसे रन करा यहाँ पर, तो बिल्कुल रन हो गया, और सम इक्वल टू 11 आउटपुट आकर क्या हो गया, यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो इतना कंसेप्ट अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा ठीक है डन। अब हमने क्या करा, इसे 11.py के नाम से सेव कर दिया। अब जो 11 नंबर का एग्जाम्पल है,
इस एग्जांपल में हम क्या करने वाले हैं, अब ये फंडा ध्यान से देखना कि देखो आपने क्या करा कि यहाँ पर लिख दिया ए प्लस बाय, तो यार इस कंडीशन में ये तो चलने वाला नहीं है, यहाँ पर क्या कर देगा एरर मैसेज ला के डिस्प्ले करवा देगा 11 नंबर में, क्योंकि ये स्ट्रिंग चल रहा है और ये क्या चल रहा है यहाँ पर बाय किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो देखो इसने बिल्कुल यहाँ पर 11 नंबर के एग्जाम्पल में एरर मैसेज को लाकर क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया लाइन नंबर 5 और ये एरर। तो ठीक है लाइन नंबर 5 में एरर है, लेकिन यदि आपने पॉइंट ध्यान से समझना, यहाँ पर लगा दिया मल्टीप्लाई, तो क्या इस कंडीशन में एरर मैसेज आकर डिस्प्ले होगा? देखो अब इस कंडीशन में बिल्कुल यहाँ पर एरर मैसेज आकर डिस्प्ले होने वाला नहीं है, यहाँ पर प्रोग्राम बिल्कुल चलने वाला है। और इसका आउटपुट क्या आएगा अब ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। देखो ए का मतलब क्या है राम, तो ए का मतलब क्या है राम, और वाई का मतलब क्या है 6, तो वाई का मतलब यहाँ पर 6। तो ये जो राम है ना वो 6 टाइम्स आकर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर राम्स 2, 3, 4, 5, 6, तो कुछ ये आउटपुट आकर क्या होने वाला है, डिस्प्ले होने वाला है। तो एग्जाम्पल नंबर 11 को यदि आपने क्या करा यहाँ पर रन करा, तो वहाँ पर देखो राम क्या हो गया 6 टाइम्स आकर डिस्प्ले हो गया। इतना फंडा पूरा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो नेक्स्ट ऑपरेटर की अपनी कैटेगरी असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर की वर्किंग क्या होती है और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।